दोस्तों मूवीज में तो डायरेक्टर जिसे चाहे उससे सुपर हीरो बना सकता है, पर क्या आप जानते हो कि रियल लाइफ में भी कई लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं, और ऐसी ऐसी सुपर पावर्स होती हैं ना कि आप उन्हें देखकर बौखला उठोगे। तो हेलो नमस्कार वडक्कम वांटेड वीडियोस के आज के एपिसोड में दफा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा अमेजिंग लोगों के बारे में, तो आइए देखते हैं। नंबर 10, डीन स्किंडर, द लायन मैन। दोस्तों डीन स्किंडर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सारा समय बेहद खतरनाक जंगली जानवर जैसे शेर, हाइनास और चीतों के बीच ही गुजरता है। दोस्तों बता दूं, डीन पहले स्विट्जरलैंड के काफी धनी व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने अपनी काफी बड़ी और लग्जरियस जॉब क्विट करके अपनी जिंदगी को इन जानवरों को सौंप दिया, और आज ये जानवर डीन को अपना हिस्सा मानने लगे हैं। वे उसे भी एक शेर की तरह समझते हैं, पर ये काम इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों शेर काफी खतरनाक जानवर है जिसमें इनके साथ रहना काफी जोखिम भरा काम होता है, और डीन बताते हैं कि उन्हें आए दिन चोटें लगती रहती हैं। शेर का जरा सा टच करने पर उन्हें बड़े बड़े घाव तक आ जाते हैं, पर जो भी हो डीन की इस एबिलिटी के कारण डीन की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती चली जा रही है। दोस्तों डीन का कहना है कि वो किसी भी खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर से डील कर सकते हैं, और ये जितने भी जानवरों के साथ रहते हैं ना, उनके सामने अगर कोई डीन को टच भी कर दे तो वो जानवर उसे फाड़ कर रख देते हैं। नंबर 9, लियो थाउलिन, द मैग्नेट मैन। दोस्तों ये इंसान अपने शरीर पर 2 किलो से भी ज्यादा भारी लोहे की चीजों को किसी चुंबक की तरह चिपका लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया के एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है ली थाउलिन, और जो आज पूरी दुनिया में अपनी इस एबिलिटी की वजह से इतना ज्यादा फेमस हो चुका है ना कि आज आप इन्हें गूगल से लेकर यूट्यूब तक कहीं भी देख सकते हो। पर अब अगर बात आए कि इन महाशय ने ऐसा किया क्या है जो मेटलिक ऑब्जेक्ट्स को इनसे इतना लगाव हो गया है, नहीं मतलब चुंबक वगैरह तो नहीं खाई ना तो आपको बता दूं कि दोस्तों इस शख्स के पास मैग्नेटिक नहीं बल्कि फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। दोस्तों ली थाउलिन की स्किन में फ्रिक्शन के बहुत हाई लेवल्स हैं, जिसकी वजह से इस शख्स की स्किन में सक्शन इफेक्ट पाया जाता है जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को इतना कसकर होल्ड कर लेता है। पर दोस्तों ये जो भी हो, ये एबिलिटी तो एकदम रोबोट के रजनीकांत सर वाली है। नंबर 8, हाई नॉक, नेवर स्लीपिंग मैन। दोस्तों अगर हम रात भर ना सोएं तो सुबह काफी नशीली सी बन जाती है, और फिर जो घोड़े बेचकर नींद आती है, आए हाय। पर क्या आप जानते हो कि एक इंसान ऐसा है जो कि पिछले 46 सालों से नहीं सोया है, और अब ये सब कोई कही अनकही बातें नहीं है बल्कि एकदम प्रूव्ड फैक्ट है। दोस्तों नॉक का कहना है कि बचपन में जब वो छोटा बच्चा था तब वो एकदम साधारण लोगों की तरह ही था, पर अचानक से उसे एक फीवर आया और वो इतना अजीब इंसान बन गया है। थाई नॉक का ये भी कहना है कि जब उसके साथ ये सब हुआ तो शुरू शुरू में उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। उसे ऐसा लगता था कि वो एक ऐसा पौधा है जिसे पानी नहीं दिया गया है, पर फिर बाद बाद में इस शख्स को ऐसी जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं है, और आज हाई नॉक कभी नहीं सोता। नंबर 7, डेनियल ब्राउनिंग स्मिथ, द रबर मैन। दोस्तों डेनियल स्मिथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रबर मैन भी कहा जाता है। दरअसल ये एक अजीब किस्म के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुए थे जिसका नाम था हाइपर मोबाइल एहलर्स दी डनलस सिंड्रोम, और इसमें दरअसल होता क्या है कि जो भी इंसान इसकी चपेट में आ जाता है उसके जॉइंट्स एकदम एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल कि आपकी हड्डी आपकी स्किन को तक टीयर डाउन कर सकती है। भले ही दोस्तों ये कितना ही मजेदार क्यों ना दिख रहा हो, पर जो भी इंसान इसकी चपेट में आता है उसे बहुत ज्यादा सीवियर मसल पेन से गुजरना पड़ता है। डेनियल भी उन्हीं में से एक है, पर इसी के साथ साथ ये इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि इनके पास इस खूबी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों ये व्यक्ति खुद को कैसा भी कर सकता है, जी हाँ कैसा भी, पर उसके साथ साथ इन्हें हमेशा मॉडरेट पेन भी होता रहता है। नंबर 6, जो कैमरून। लो जी,
तो जैसा कि पिछले वाले में आपने देखा कि डैनियल को इस एबिलिटी की वजह से काफी दर्द सहना पड़ता है, पर क्या आप जानते हो कि एक इंसान तो ऐसा है जिसको दर्द ही नहीं होता? नहीं, वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। दोस्तों मिलिए जो कैमरून से, जिनकी एबिलिटी ये है कि आप इनके साथ चाहे जो कर लो इन्हें दर्द होता ही नहीं है। दोस्तों ये बात खुद इन्हें 65 साल की उम्र में पता लगी थी कि ये दूसरों से एकदम अलग हैं, और वो भी तब जब इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। दोस्तों अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इंसान तकलीफ के कारण बावला हो जाता है, पर यहाँ तो इन मैडम को कोई फर्क ही नहीं था। जब वे हॉस्पिटल गईं तब इन्हें पता लगा कि इनकी हड्डी टूट चुकी है, जिसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इवन ऑपरेशन में भी सारा काम बिना पेन किलर के ही हो गया, और यहीं से सभी को पता लगा कि जो को दर्द ही नहीं होता है। दोस्तों जो आए दिन अपना हाथ ओवन में जला लेती हैं, उसके बाद भी इन्हें पता तब लगता है जब ये अपने घाव को अपनी आंखों से देख लें। था ना बड़ा अजीब म्यूटेशन। नंबर 5, एलाइन रॉबर्ट, दी फ्रेंच स्पाइडरमैन। दोस्तों ये शख्स फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों, उसे बताने से पहले आपको बता दूं कि ये व्यक्ति दुनिया की हर ऊंची चीज पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के चढ़ सकता है। जी हाँ, इस शख्स ने अमेरिका के गोल्डन ब्रिज से लेकर दुबई की बुर्ज खलीफा तक किसी भी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा। ये शख्स सारी दुनिया में घूमता है, और आज ये हर देश के नोटेबल फेमस स्ट्रक्चर्स पर चढ़ाई कर चुका है। दोस्तों बता दूं ये टैलेंट इन जनाब के पास बचपन से ही है, ना तो इसे कभी ऊंचाई से डर लगा है और ना ही मौत से। दोस्तों ये शख्स लगभग 200 से ज्यादा ऊंचे स्ट्रक्चर्स पर चढ़ चुका है, और ऐसा नहीं है कि ये भाई साहब कभी गिरे ही ना हो। कहा जाता है कि इस इंसान की ऐसी कोई हड्डी नहीं है जो फ्रैक्चर ना हुई हो, और एक बार तो ये जनाब कोमा में भी जा चुके थे, पर ना तो चढ़ाई का हौसला गया और ना ही इन्होंने कभी हार मानी। नंबर 4, शकुंतला देवी, दी ह्यूमन कैलकुलेटर। दोस्तों अब जहां सुपर ह्यूमंस की बात हो और उस लिस्ट में इंडिया का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मिलिए शकुंतला देवी से। हम सभी आज इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर 2020 में इन पर आई इस मूवी के बाद। दोस्तों शकुंतला जी कुछ ही पलों में बड़े से बड़े गणित के अरिथमेटिक सवालों को सॉल्व कर सकती थी। दोस्तों इन्होंने सन 1982 में अपनी इसी एबिलिटी से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया था। दोस्तों इन्होंने 213 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अपने मन में कर महज 28 सेकंड में उत्तर दे दिया था, जिसे देखकर सभी की आंखें हाथ में आ गई थी। नंबर 3, स्टीफन विल्शायर। दोस्तों हम लोग एग्जाम्स के टाइम किसी सुपर पावर को मिस करें या ना करें, पर रोबोट मूवी में बुक्स को स्कैन करके याद करने वाली सुपर पावर को भला कौन भूल सकता है। अगर मैं कहूं कि एक इंसान ऐसा है जिसके पास कुछ इसी तरह की पावर है तो विश्वास करोगे? वेल, मिलिए स्टीफन विल्शायर से। ये जनाब किसी भी सिटी के एक एरिया को कुछ ही मिनट देखकर उसे हूबहू कागज में उतार सकते हैं। वेल, अगर सुनकर विश्वास नहीं होता तो आप सामने ही देख रहे हो कि कैसे ये शख्स बड़े आसानी से एक सिटी का लैंडस्केप तैयार कर रहा है, और मैच करने पर वो एकदम ओरिजिनल सीनरी के जैसा होता है। दोस्तों इस आर्टिस्ट ने ऐसे ऐसे आर्ट्स का निर्माण किया है ना, जिन्हें गौर से देख पाना ही बहुत मुश्किल है। इन्होंने हर फेमस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को बड़े ही आसानी से कुछ ही पल देखकर अपने पेपर पर ड्रॉ करने वाली एबिलिटी की वजह से हमारी इस लिस्ट का नंबर 3 हासिल कर लिया है। नंबर 2, राधाकृष्णन वेलु, स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ इन द वर्ल्ड। दोस्तों क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वेल, इन मैडम को ये क्वेश्चन हमसे नहीं बल्कि इस शख्स से पूछना चाहिए। तो मिलिए राधाकृष्णन वेलु से, जो कि अपने दांतों से ही बड़ी आसानी से एक ट्रेन को खींच सकते हैं। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दांतों से पूरी की पूरी ट्रेन को खींच सकते हैं। दोस्तों राधाकृष्णन का जन्म भारत के केरला में हुआ, उसके बाद वे मलेशिया में जॉब करने लगे। वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें इन्होंने अपने दांतों से 260 टन भारी KTM कम्यूटर ट्रेन को लगभग 4.5 मीटर तक खींच दिया। आज भी इनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि वो एक ऐसा खास किस्म के मेडिटेशन की वजह से कर पाए हैं, जो कि उन्हें उनके इंडियन गुरु ने सिखाया था। नंबर 1, विम होल्फ, द आइसमैन। अच्छा अब एक प्राइवेट क्वेश्चन पूछूं,
सर्दियों में आप कितने दिन में नहाते हो? चलो आपका आंसर जो भी हो, पर यह शख्स जान ले लेने वाली ठंड में ठंडे पानी से नहाता है। हाँ जी, ये है विम हॉल्फ, जिन्हें आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विम ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि बर्फीले पानी में फुल बॉडी डाइव करना और बर्फीली जमीन पर नंगे पैर बिना कपड़ों के मैराथन में भागना। दोस्तों, जहां हम सर्दी की वजह से 3 से 4 स्वेटर्स के बाद भी थर थर कांपते हैं ना, वहां विम अपने कच्चे पर बैठकर अपने वीलॉग्स बनाते हैं। यहां तक ये कई घंटों आइस बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजह से इस व्यक्ति को एथलीट नहीं बल्कि एक्सट्रीम एथलीट कहा जाता है। तो क्या आपने भी कभी किसी सुपर ह्यूमन को देखा है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये था वांटेड वीडियोस का एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। बहुत पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।